सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, मज़े में हो गए और खुश भी हो गए। तो चलिए आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज है चाइनीज़ न्यू ईयर और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे सब चाइनीज़ लोग इकट्ठा होकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे चाइनीज़ लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और मैं भी पहली बार देख रही हूँ तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर चाइनीज़ लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं वहाँ पर। और अभी नक्श और चेतन दोनों मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी, और आप लोग भी आइए मेरे साथ। सो अभी हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि कैसा होता है न्यू ईयर। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नेचुरल दिखाऊंगी। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा ग्रीनरी भी आपको महसूस होगा, और यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। और अभी हमने हमारी कार को पार्क कर दिया है और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है इसलिए हम चल के जा रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। सो मैं पहुँच गई है अभी यहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, चाइनीज लोग, और अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो सब। और आज संडे भी है तो यहाँ पे जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है चाइनीज़ लोगों का, तो उन लोगों का ऐसा है कि वो सब लोग रेड कपड़े पहनते हैं। वाओ, मस्त डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग बहुत ही सही टाइम पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे एक अंकल जी फ्री में बैग बांट रहे थे सबको। सो ऐसा था आज का सेलिब्रेशन और न्यू ईयर। और थोड़ी जब हम आए तब ये शुरू हुआ था और थोड़ी देर में पूरा हो गया। और आप लोग दिख रही होगी यहाँ पे, वो ज़्यादातर लोगों ने रेड कपड़े पहने हैं।
लेकिन जो भी था वो देखने के लिए बहुत ही मज़ा आया। तो यही था आज का न्यूयॉर्क। और अभी लंच का टाइम भी हो गया था तो सब लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें करेंगे मिलेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पे न्यू ईयर ये वाला बैग मिला है आज न्यू ईयर में आए तो ये वाला बैग मिला है। सो यहाँ पे अभी ये प्लेन से टोर्टिला चिप्स के एडवर्टाइज दे रहे हैं तो US में इस तरीके से एडवर्टाइज दी जाती है। चलो फ्रेंड्स मज़ा आ गया कुछ नया देख के, थोड़ा सा देखने के लिए मिला लेकिन बहुत ही अच्छा था परफॉर्मेंस। तो आज का है ये हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी हम जा रहे हैं डाइसो के, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाइसो और डाइसो से हमें सेल लेने हैं नॉक्स की कार में डालने के लिए। और अभी हम लोग आ गए हैं अल सरीतो प्लाजा और यहाँ पे शॉपिंग करने की बहुत ही मज़ा आती है क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत ही सारी शॉप है। अभी हम पहुँच गए हैं डाइसो में तो चलिए हम अंदर जाते हैं और हमारी जो चीज़ें लेनी हो हम ढूंढते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर पे क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है तो मैंने सोचा कि मैं अभी छोले भटूरे बना लेती हूँ सबके लिए और जीरा राइस बनाऊँगी। सो मुझे आज ये टेस्टी टेस्टी खाना था इसलिए मैं बाहर नहीं गई खाने के लिए और मुझे बाहर खाना इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है अभी क्योंकि मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता है बाहर के खानों में, इसलिए मैं फटोफट से जल्दी से पहले छोले भटूरे बना देती हूँ। तो हमारा खाना रेडी है, यहाँ पे है जीरा राइस, छोले, ये है पूड़ी, यहाँ पे पाइनएप्पल है और अभी ये दही है। सो अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है तो हम पहले खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज खाना बहुत ही अच्छा है। सो हेलो फ्रेंड्स अभी खाना खा लिया है बहुत ही अच्छे से और अभी सुकून मिला है बहुत सारा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। तो हो गया है हमारा लंच कंप्लीट। तो अभी मैं नक्श को सुलाऊंगी, नक्श को पहले सुलाऊंगी उसके बाद मैं बर्तन वॉश करती हूँ और किचन भी अभी क्लीन करना है तो सबसे पहले मैं इस लड़की को सुला देती हूँ फिर बाद में मेरा काम निपटा देती हूँ। ओके सो अभी मेरा काम तो हो गया है लेकिन आज संडे भी है और मुझे अभी लॉन्ड्री करना है और अभी 3 भी बज गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं पहले लॉन्ड्री कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं बास्केट ले दे डायरेक्ट लॉन्ड्री रूम जाती हूँ, अभी नक्श सोया हुआ है तो मेरा काम हो जाए। सो अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं वॉशर में, ये वाला वॉशर अभी स्टार्ट हो गया है और बास्केट रख दिया है मैंने वहाँ पे। तो मैं आती हूँ 32 मिनट्स के बाद क्योंकि 32 मिनट्स का मशीन चलेगा, उसके बाद मैं आऊँगी फिर मैं ड्राई कपड़े डाल दूँगी। और ऐसा ही हमारा लॉन्ड्री रूम, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ड्रॉ वॉशर रखे हैं और उसी के सामने बिल्कुल ड्रायर रखे हुए हैं। फ्रेंड्स अभी मैं लॉन्ड्री में कपड़े डाल के तो आ गई हूँ, वॉश हो रहे हैं वो कपड़े और अभी जतन ने बोला है कि उसको चाय पीनी है तो चलो हम उसको चाय पिला देते हैं फिर तब तक मेरा वॉशर भी कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वॉशर से लेकर ड्रायर में कपड़े डाल दूँगी। वाव वाव हेलो गाइस गुड इवनिंग। तो अब शाम के 5 बजने आए हैं और मैं और नक्श दोनों निकल गए हैं बाहर टहलने के लिए और इसको खेलना था पार्क में तो सोचा हम जाकर आते हैं और आज सन भी अच्छा है।
फ्रेंड्स, हमारा अभी डिनर हो चुका है और अभी हम सब लोगों को आइसक्रीम खाने का मन हुआ था, तो अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम शॉप पे और आपको मिलते हैं आइसक्रीम की शॉप पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं बास्किन रॉबिन्स में और अभी हमको आइसक्रीम खाने का बहुत ही मन हुआ था और इतनी ठंड में आइसक्रीम खाने की मज़ा ही कुछ और है, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। सो अभी हमने हमारा आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया है और हमारा आइसक्रीम अभी बन रहा है यहाँ पे और उसमें हम कुछ टॉपिंग्स डलवा रहे हैं और फिर उसके बाद हमारा आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। और हमने ऑर्डर किया है संडेज़ को और बहुत ही अच्छा आइसक्रीम है और उसमें दो तीन आइसक्रीम मिला के और उसमें बहुत सारी टॉपिंग्स डालते हैं तो बहुत ही मस्त आइसक्रीम बन के रेडी होता है। और ये देखो आइसक्रीम मस्त दिख रहा है ना। और वीडियो का एंडिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।